हेलो डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्लॉग। तो आज है सैटरडे और आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, क्योंकि कल मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया था और आज बहुत देर से, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, तो वो सब आगे बात करेंगे। और मेरी प्रार्थना और दुआ ऐसे ही है कि आप लोग स्वस्थ रहें और अच्छे रहें, हमेशा खुश रहें और हैप्पी रहें, और ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व खुशहाल रहे, यही कामना कीजिए। और मैं श्वेता के साथ बेटी भारत माँ की अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत फिर से करती हूँ। और आज है सैटरडे और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो आज क्या हुआ ना कि मतलब दो तीन दिन से क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। मैंने बताया था आप लोगों से कि ब्लॉग मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ। क्यों नहीं कर पाती हूँ? क्योंकि बेबी है और छोटा सा, और इस वजह से बहुत मतलब दिक्कत नहीं बोलेंगे, ये तो मेरा फ़र्ज है, एक माँ का फ़र्ज होता है, दिक्कत नहीं बोलूँगी मैं, इसे फ़र्ज है, जो फ़र्ज है ना उस फ़र्ज को निभाने के मतलब निभाने के चक्कर में और निभा रही हूँ। तो उस फ़र्ज की वजह से मैं जो है वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा, मेरा बेटा पहले है और फिर फैमिली है मेरे लिए, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं पता था, मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता चलती थी कि क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन जब से ये मतलब मेरा बेबी आया है ना, तब से मुझे लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, ये जो माँ होना बहुत डिफ़िकल्ट है। और मेरी मम्मी लोगों ने मतलब जितनी भी माएँ हैं इस दुनिया में, सब लोगों ने अपने बच्चे को कैसे पाला है, कैसे इतना बड़ा किया है, ये अब समझ में आ रहा है मुझे। क्योंकि पूरी रात जागना, हर एक चीज़ का ख्याल रखना, आपका बच्चा ज़रा सा भी रोए तो आप आपके आंसू निकलने लगते हैं, आपके बच्चे को ज़रा सी तकलीफ़ होती है, बुखार होता है या कुछ होता है तो आपको तकलीफ़ होने लगती है, आप रोने लगती हैं। और जो लगाव होता है ना बच्चों के साथ, जो लगाव होता है ना, वो लगाव का कोई वो उसकी कोई कीमत ही नहीं होती है। और एक पिता जो है ना, वो रात भर नहीं जाग सकता है, लेकिन मैंने एक माँ होने के बाद ये जाना कि माँ अपने बच्चे के लिए 24 घंटे जाग सकती है, और भी बिना पलक झपकाए, मैंने ये चीज़ देखा और महसूस भी किया इतने दिनों में। और क्या है ना कि जब ये हॉस्पिटल में था तब मुझे उतना मतलब एहसास नहीं होता था, उतना फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उस समय मेरी दीदी थी, सिस्टर इन लॉ थी, वो इसको लिए रहती थी, क्योंकि उतनी समय मुझे उठाना भी बहुत अजीब लगता था, इसको लेके उठाना मतलब कैसे उठा पाऊँगी, एकदम नाजुक सा शरीर, एकदम लचक शरीर, तो दीदी लिए रहती थी, अपने पेट पर सुलाए रहती थी। तो दीदी का भी बहुत मतलब जितना मैं थैंक्स करूं दीदी का, बहुत मेरी जितनी भी नंदे हैं वो कमाल की अच्छी हैं, मतलब मेरी केयर करती हैं, पर फैमिली की केयर करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मेरे लिए मैं अच्छी हूँ, दुनिया के लिए कैसी भी रहूँ इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तो ये एक हफ्ते तक वहीं था, हॉस्पिटल में था, तो दीदी इसकी केयर करती थी, मेरी छोटी वाली जो सिस्टर इन लॉ है वो भी गई थी, बड़ी छोटी दोनों लोग गई थी। और तो उस समय मुझे समझ में उतना नहीं आता था, लेकिन जब धीरे धीरे जैसे दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन ऐसे बीतता गया ना, तो मुझे चीज़ें समझ में आने लगी। और ये जो है जब मैं यहाँ आई तब मुझे और ज़्यादा समझ में आने लगा, जब मैं इसको अपने हाथ से उठाती हूँ, लेती हूँ, ज़रा सी सी तकलीफ़ होती है, मैं 24 घंटे में मुझे लगता है कि बहुत कम मैं इसको अकेला छोड़ती हूँ, बहुत कम मैं इसको अकेला छोड़ती हूँ। और ना एक जो सच में कहते हैं कि माँ का जो कर्ज होता है ना, बच्चा कभी नहीं चुका सकता, कभी नहीं चुका सकता, क्योंकि माँ जो है ना वो अपने बच्चे को 24 घंटे अपने पास रखती है,
मैं सच बता रही हूँ। और अगर माँ को लैट्रिन बाथरूम भी जाना ना रहे और ना नहाना धोना रहे और कुछ ना करना रहे ना, तो अपने बच्चे को ज़िंदगी भर वो अपने पास रख सकती है। और उसके कोई और वर्क ना हो या कहीं जॉब ना हो या और कुछ ना हो, तो वो हमेशा अपने बच्चे को अपने साथ रखना चाहती है। तो जब मेरी छोटी वाली जो मासी है मेरी, उनका जब बाबू था ना, तो हम लोग खिलाते थे, सबसे मैंने छोटा उसी को देखा है और उनकी बिटिया को देखा, उनको देखा है। तब मुझे समझ में नहीं आता था, ऐसे लगता था कि तब मैं उतना स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता है, मतलब बच्चे ही तो होते हैं और अचानक से इंसान बड़ा हो जाता है। तो अब समझ में आ रहा है कि बच्चों को ज़रा से भी तकलीफ होती है ना तो घुटन महसूस होती है अंदर, ऐसा लगता है कि मुझे कुछ हो जाए, मुझे। लेकिन बच्चे को ना तो क्या हुआ है ना, मैं ऐसे रो क्यों रही हूँ बता रही हूँ, इसलिए रो रही हूँ क्योंकि क्या कहते हैं इसको, जब हॉस्पिटल में था ना ये, तो इसको BCG का टीका लगता है, BCG का टीका लगा था, दूसरे दिन ही लगा था। तो आप सबको, आप लोग बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, मैं तभी बच्ची ही थी, तो अचानक से मतलब मुझे नहीं पता था, टीका पता था कि टीका लगता है, पर मुझे नहीं पता था कि टीका पकता भी है, मतलब पक जाता है कुछ दिनों बाद। तो जब लगा था ना इसको, तो मतलब हाथ में निशान तक नहीं था। और जब ये अभी मैंने कुछ दिनों से देखा, इसके अचानक से हाथ में निशान बनना शुरू हो गया, मतलब जैसे पिंपल टाइप में कुछ, बड़ा पिंपल थोड़ा टाइप में कुछ वैसा बनना शुरू हो गया। और वो धीरे धीरे ना क्या होने लगा ना कि ये पिंपल जो है ना धीरे 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 थोड़ा जो है पकने लगा। और इसको कुछ दिन पहले मेरी सर्दी होने वाली थी, मतलब मैंने एक दो दिन सुबह सुबह नहा धो लिया था, तो इस वजह से जो है इसको मेरी सर्दी, मेरे गले की सर्दी इसको लग गई थी, मतलब मेरी बहुत तेज़ी से गड़ रहा था पूरा गला। और फिर इसको मैंने कहा सुबह मेरी हालत ख़राब होने वाली, सुबह मैं पक्का बीमार पड़ जाऊँगी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ अचानक से कि मेरे मतलब बाबू मेरा दूध पीता है ना, इस वजह से शायद मेरी पूरी सर्दी इसके गले के अंदर चली गई, पूरी सर्दी इसके गले के अंदर चली गई और मैं एकदम ठीक, मुझे कुछ नहीं हुआ। और मेरे बुखार भी, मतलब दादी को मतलब मैंने बताया था 3 बजे मैंने नहाया था, तो उसी वजह से हो गया था सर्दी वर्दी, तो बाल बाल भी धुला था। तो इसको मेरी सर्दी लग गई, मेरा बुखार लग गया, इसको सारा कुछ इसी को लग गया। और तो फिर क्या हुआ ना, जब इंजेक्शन लगा था तो इसको पकने लगा। मैं दिखाती हूँ आप लोग को कि इस हाथ में है, इस हाथ में नहीं है, इस वाले हाथ में भी दिखा रहे हैं, तो वो पकने लगा। तो मैंने कहा डॉक्टर की लापरवाही से ये क्या हो रहा है, मतलब मुझे पता नहीं है कि, मतलब पता था कि इंजेक्शन लगा, लेकिन अचानक से उतना ध्यान रहता नहीं है, मतलब आपको, आप ही सोचिए कि आपको इंजेक्शन लग जाए और फिर कुछ ध्यान नहीं रहेगा आपको, कुछ महीनों बाद आपके कुछ हो जाए, वहीं पे फोड़ा निकलने लगे, तो आप तो ये सोचेंगे कि फोड़ा होगा, आपको क्या पता कि इंजेक्शन का मतलब वो है, BCG टीका का वो है या कुछ का ऐसा है। तो इसको हो गया, तो मैं डरने लगी और बहुत इसको बुखार आ रहा है, और इसकी दवा वो मैंने खिलाई है 3 मीटिंग, मतलब हर मीटिंग में इसकी दवा खिला रही हूँ, क्योंकि मैंने पूछा था डॉक्टर से, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर बुखार आ रहा है तो इसको दवा दिला दीजिएगा। तो इसको लेके गए थे डॉक्टर के पास, बुखार आ रहा है इसको, तो दवा ववा सब खिला दिया है इसकी। तो सुबह दोपहर शाम की 3 टाइम की दवा है, इसको दवा ववा सब खिला रहे हैं, लेकिन इसकी हालत ना मतलब बुखार रह रहा है, दवा खिला रहे तो थोड़ी देर तक जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, और 3 मीटिंग दवा खिलानी है, कितनी बार खिलाएं, रात में भी मतलब नहीं खिला पा रहे, तो 3 मीटिंग खिला देते हैं ठीक है। लेकिन जब बुखार आ रहा है ना, तो मैं सोच रही हूँ डॉक्टर ने इतनी बड़ी लापरवाही कर दी, मुझे नहीं पता था,
तो मैंने सोचा टीका है कि क्या है, फिर मैंने मम्मी को मतलब बताया, मैंने एनम से पूछा कि मतलब यहाँ पे इसके हाथ में मतलब एक टीका पक रहा है, तो मतलब क्या है वो, क्यों पक रहा है, क्या फोड़ा है कि क्या है। तो उन्होंने कहा वो टीका है, टीका पकना ज़रूरी है और बुखार भी आना ज़रूरी है तभी वो टीका सूट करता है, ऐसे उन्होंने बोला मुझे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, इसको दिखाया सब, इस मतलब अभी ठीक है ये, लेकिन बार बार इसको बुखार आ जा रहा है। और ये देखिए इसको टीका लगा था, जो मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको जो टीका लगा था ये देखिए, तो नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देख, दिखा दो बेटा दिखा दो मेरे बच्चे री, ये देखिए। तो ये अभी मम्मी मतलब नहीं, उतने समय बुखार नहीं था तो टीका मतलब मालिश वालिश कर रही थी मम्मी, तो ये पका था ना, तो वो अपने आप लग के वो थोड़ा हो गया, फूट गया इसी टाइप में, एक दिन और पका था तो उस दिन भी फूट गया, अब थोड़ा थोड़ा सूख रहा है। तो मैंने सोचा पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया क्या नहीं, बहुत बहुत तकलीफ थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। तो अभी ठीक है, और आप सभी प्रार्थना कीजिए मेरा बाबू जल्दी से ठीक हो जाए। फिर कल इसको एक नया टीका लगना है, मुझे नहीं पता उसका नाम है।